नमस्कार दोस्तों, आज है 10 सितंबर और आज है गणेश चतुर्थी की छुट्टी। तो एक बार फिर से एक छोटा सा ट्रिप ही सही, यहाँ से करीब 70-75 किलोमीटर का है। तो अभी रेडी हो गए हैं, बैग वैग तैयार हो गया है और थोड़ी मोड़ी तैयारी हो गई है। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी जाएंगे और 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे या 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, फिर शाम तक वापस आ जाएंगे। तो इसलिए लेकिन फिर भी जो बाइक का सारा सामान है, पंक्चर वंक्चर बनाने का किट है और खाना बनाने का जो सामान है वो हमने बैग में डाल दिया है। ज़रूरत पड़ने पे कोई मैगी या चाय बना सकते हैं। तो अभी रेडी हैं और निकल लेते हैं। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मतलब अंदर बैठे बैठे एकदम पसीना निकल रहा है। तो फिर भी फटाफट चलते हैं और आगे की जर्नी देखने के लिए आप वीडियो पे बने रहिएगा और सीधे अब गोप्रो पे ही सीधे बात करते हैं। तो हम आ चुके हैं हाईवे पे और घर से फ़ोन आ गया था, वाटर बॉटल तो घर में ही छूट गया, तो 1 लीटर का ही मुझे ख़रीदना पड़ेगा पानी का बॉटल। ऐसे 2 लीटर का भर के रखा हुआ था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लखनऊ बनारस हाईवे पे और यहाँ से वाराणसी है कुल 200 किलोमीटर करेक्ट, सुल्तानपुर है 57 किलोमीटर, रायबरेली है 52 किलोमीटर और जगदीशपुर है 5 किलोमीटर। तो सागर चौपाल के पास में पेट्रोल पंप खुला है और मैंने वहाँ से पेट्रोल डलवाया था, बहुत ही ख़राब पेट्रोल निकला। पता नहीं क्या हो रहा मेरे साथ है, जिस भी पेट्रोल पंप से मैं सोचा नया पेट्रोल पंप है तेल अच्छा मिलेगा, लेकिन इतना घटिया पेट्रोल मिलेगा और रिज़र्व लग गया 28 किलोमीटर पर ही, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी एक्चुअल में जहाँ से हम पेट्रोल डलाते हैं वहाँ पे डलाएंगे और हमारी जर्नी कुल आज होने वाली है 150 किलोमीटर से ऊपर। तो 5 लीटर कम से कम भरवा लेते हैं जिससे हमारा आना जाना सब हो जाए। ये रही जाफ़रगंज की मंडी, यहाँ पे जाफ़रगंज की बाज़ार लगती है और आज है फ्राइडे तो सन्नाटा, बुधवार और रविवार। लेकिन छिटपुट दुकानें लगी रहती हैं, 2-4 दुकानें सब्जियों की और फलों की लगी रहती हैं, बैंक खुला है, इधर अगल बगल दोनों साइड में दुकानें हैं। और जो जाफ़रगंज की जो मंडी है ये इस ज़िले की तो सबसे बड़ी मंडी है ये जाफ़रगंज की, और हमारे ये दाहिने साइड में उसका गेट रहा नवीन मंडी स्थल जाफ़रगंज। तो अभी हम गुज़र रहे हैं जगदीशपुर मार्केट से और ये एक ब्लॉक है, मुसाफिर खाना तहसील में आता है। ये रहा हमारे लेफ्ट साइड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और दाहिने साइड सारी जो है मेडिकल की शॉप है जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड में निकल जाता है सुकुल बाज़ार को रोड, 18 किलोमीटर है यहाँ से। प्रतापगढ़ भी जाने का रास्ता यहीं से है, 82 किलोमीटर है। अमेठी 45 किलोमीटर है, गौरीगंज मात्र 32 किलोमीटर, अमेठी का जो ज़िला मुख्यालय है। वाराणसी 193 किलोमीटर, फैजाबाद है या अयोध्या 65 किलोमीटर। तो ये वो हिस्टोरिकल चौराहा रहा और बाईपास बनने से पहले यहाँ पे पूरी रात जाम लगता था इसी चौराहे पे, क्योंकि यहाँ पे रायबरेली से फैजाबाद वाली गाड़ियाँ भी इधर ही से जाती थी और लखनऊ बनारस वाली, तो पूरा भयंकर जाम लगता था यहाँ पे। मैंने वो समय देखा है 2018 से पहले का। तो ये जामो रोड है और हमें जामो जाना नहीं है, हमें आगे से मुसाफिर खाना कर जाना है।
ये देखे फिर से हम उसी हाईवे पे फोर लेन पे आ गए। जो सामने वाला रोड है ये भी गौरीगंज ही जाता है, लेकिन हम चलेंगे यहाँ से। मुसाफिर खाना और वहाँ से फिर मुंशीगंज चलेंगे। तो 38 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद अभी मैं पहुँच चुका हूँ अमेठी वाले मोड़ पे, और हमारे पीछे रह गया लखनऊ वाला फोर लेन, और इसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये बनारस चला गया है। तब यहाँ से हम चलेंगे अमेठी की तरफ, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अभी 15-20 किलोमीटर आगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर आगे निकलेंगे। तो यहाँ पे चाट पकौड़े फुलके बन रहे हैं और लोग खा रहे हैं, बढ़िया हवा चल रही ठंडी ठंडी मस्त। तो अभी जगदीशपुर से चल करके और मुसाफिर खाना बाईपास से होते हुए मैं प्राथमिक पाठशाला में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे कौन सा घुसियावा जगह है, मॉडल स्कूल है और काफ़ी अच्छा इसको सजा रखा है। और हमारे साथ है ये अनिल भाई, क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में? अब आप बताइए, हमारा सभी अच्छा कहेंगे। ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और आज के 15 साल पहले हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूल में। तो अभी ये प्राथमिक में है, यूपी गवर्नमेंट में है, और इनका स्कूल काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है, और काफ़ी अच्छे बच्चे भी, 200 करीब बच्चे हैं इनके स्कूल में, और अभी भी एडमिशन के लिए ढेर सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो मॉडल स्कूल होने की वजह से काफ़ी एडमिशन है, और यहाँ पे जो टीचर है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनकी क्लासेस देखिए कितनी अच्छी सजा रखी इन्होंने। हम लोग अमेठी से चले थे और थोड़ी देर केवल पानी पिए हैं, एक मिठाई खाई और पानी पिए हैं अनिल भाई के घर पे, और जैसे निकले वैसे झमाझम बारिश शुरू हो गई इधर देखिए बाहर। तो अभी मुझे लग रहा है कि 15 किलोमीटर और आगे है, और ननकू दास की कुटी पे हम लोग रुके हुए हैं। बारिश हो रही है, थोड़ा बारिश कम हो जाए बंद हो जाए तो भीगने लायक बारिश वैसे थी, हम लोग भीग जाते अगर नहीं रुकते तो भीग जाते तो थोड़ा बारिश कम हो जाए और या बंद हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आजकल की बारिश 10-15 मिनट वाली बारिश है, तो 10 मिनट वेट कर लेते हैं बंद हो जाएगी, अभी बारिश में निकलते हैं। पिछले एक घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं, और दीवानगंज यहाँ से है मुझे लग रहा है 3 किलोमीटर होगा, अमेठी से दीवानगंज भुईसरनाथ के बीच में ही है, और लगातार बारिश हो रही है और हम लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं, और रेनकोट भी नहीं है। हालांकि रेनकोट तो बस केवल हल्की फुल्की बारिश के लिए बचाता, बहुत तेज बारिश में तो नहीं बचाता, उसमें भीग जाता आदमी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि बारिश बंद हो और हम लोग निकले यहाँ से। तो हालांकि हल्का फुल्का कम से कम 15-20% हम लोग भीग भी चुके हैं, भाई साहब तो नहीं भीगे हैं क्योंकि पीछे बैठे थे, आगे सबसे ऊपर जो ड्राइव करता है उसी के ऊपर आती है ज़्यादा पानी। तो वेट किया जा रहा है, देखते हैं आज पहुंच पाते हैं कि नहीं, घर पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है। ये कह रहे हमारे घर पर रुक जाओ, देखते हैं हो सकता है इनके घर पर रुक जाएंगे, और कल सुबह 5-6 बजे उठ कर। तो हम लोग जो है भीगते भाई एक घंटा रुकते भीगते अंत में ये रायबरेली और ये प्रतापगढ़ इधर गया है, रायबरेली प्रतापगढ़ रोड पे पहुंच गए हैं, और पीछे ये गेट रहा, और इसी गेट से पीछे हम लोग जो है जाएंगे सीधे अमेठी पहुंच जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन बारिश की वजह से सारा मामला जो है गड़बड़ हो गया। तो लगभग पहुँच गए हैं, और इस गेट के बाद जो है हम लोग थोड़ी देर में 500 मीटर दूरी पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो एक्चुअल में हम लोग बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, और सई नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसी ब्रिज के ऊपर हैं, और देखिए बारिश से पूरे गीले हो गए हैं, एकदम 20-30% गीले हो गए हैं। तो हम लोग सई नदी के ऊपर ही हैं, और इस पुल पर है, और इसी पुल से नीचे से सई नदी गई हुई है, पुल उसी पर बना हुआ है, और यहाँ देखिए ये पीछे का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। और कुछ इसी तरह से अगर आप इधर नज़र आप गड़ाएंगे तो यहाँ पीछे मंदिर नज़र आ रहा है, इधर ये देखिए टावर लगा हुआ है, मंदिर यहाँ से नज़र आने लगा है। अब हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ।
एक्चुअल में हम और अनिल भाई दोनों लोग पहुंच ही चुके हैं, क्योंकि भीगते हुए इतनी मेहनत के बाद भीगते भागते हम लोग पहुंच ही गए हैं उस जगह पे। और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, वहीं से वापस आएंगे, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अंत में आ ही गए। और भोले बाबा का जो बुलावा था, घुसमेश्वर नाथ में हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ की गलियों में गाड़ी वाड़ी लगा दी है, हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। जगदीशपुर से आए, जगदीशपुर कौन, सुल्तानपुर पास? हाँ हाँ। जगदीश बताइए, हमारा मंदिर के बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, मंदिर यहाँ का बहुत अच्छा है। हाँ। यहाँ अपने यूपी में टॉप, जैसे मनगढ़ होता है, मनगढ़ पहला है तो दूसरा ये है। अच्छा, बाकी सफाई यहाँ कम रहती है, यही बात। तो यहाँ के बारे में अभी पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और शिव पुराण में काफ़ी इसकी चर्चा है। कहा जाता है कि यहाँ जो आप शिव से मांगते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं पूरी हो जाती है इस जगह पे आने के बाद। तो काफ़ी दिन से हमारी इच्छा हो रही थी यहाँ आने की, और आज वो समय आया कि जब हम अनिल भाई पास में रहते हैं 15 किलोमीटर की दूरी पे, तो हमने इनको फ़ोन किया कि चलो भाई घूम के आते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आपके भी बड़े हम आभारी हैं कि भाई समय निकाला आपने, कीमती वक्त निकाला, और कैसे कैसे हम लोग आए हैं भीगते भागते, अंत में पहुंच गए हैं, काफ़ी खुशी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ पूरा सोलर सिस्टम लग गया है, सारा सोलर सिस्टम लग गया है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो मतलब उपयोग जो है सोलर सिस्टम के द्वारा हो रहा है, और काफ़ी ढेर सारे पैनल देखे पीछे लगे हुए हैं ये छत पर, ऊपर वाले छत पे भी पैनल लगे हुए हैं, पूरा उधर तो पूरा पैनल ही पैनल लगा, पूरा मतलब सोलराइजेशन हो गया है मंदिर का। तो ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसे ही होना चाहिए। और अभी मंदिर में हम दर्शन करने के लिए गए नहीं, भाई साहब प्रसाद वगैरह चढ़ा के आ गए हैं, तो अभी मैं जाता हूँ दर्शन करने के लिए। पंडित जी के साथ बैठे हुए हैं, और बड़ी हमारे ऊपर कृपा है कि हम वहाँ से चल करके अम्बेडकर नगर से अमेठी होते हुए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो स्टोरी है, मतलब जो शिव की जो कथा है, वो थोड़ा शुरुआत से आप बताएं, शिव पुराण में क्या वर्णन है यहाँ के बारे में। प्राचीन काल में एक सुदेहा नाम के ब्राह्मण रहते थे। अच्छा। उनकी पत्नी का नाम था सुधर्मा। बहुत समय व्यतीत हो गया, सुधर्मा और सुदेहा से कोई संतान नहीं पैदा हुई। साठ नहीं भोजन, कोई संतान नहीं पैदा हुई। तो विवश होकर के इनकी पत्नी सुदेहा ने यह बताया, कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। अच्छा। बहुत विवश किया, बहुत परेशान किया, लेकिन सुधर्मा दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुई। अच्छा। लेकिन भवितव्य अलग की बात अलग होती है। एक समय आया कि सुधर्मा सुदेहा के कहने पर उसकी सगी बहन, जिसका नाम घुसमा था, घुसमा घुसमा, उसके साथ अपना विवाह कर लिया। अच्छा।
घुसमा जब अपने ससुराल में आई तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए सुधर्मा और घुसमा प्रतिदिन भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बना करके प्रातःकाल पूजन करके एक तालाब अथवा नदी में उसको प्रवाहित कर देते थे। काफी समय व्यतीत हुआ, घुसमा के एक पुत्र पैदा हुआ। अच्छा, घुसमा के एक पुत्र पैदा, पुत्र पैदा हुआ, बड़ी खुशी मनाई गई। लेकिन अब जो सुदेहा यह इनसे प्रेस करके विवाह करवाया था, अब वही ईर्ष्या में जलने लगी। अच्छा, कि हो सकता है आगे चल करके सुधर्मा का प्रेम घुसमा तक सीमित रह जाए और हमसे जो है कोई प्रेम ना रहे। इस ईर्ष्या में एक दिन जब प्रातःकाल सुधर्मा और घुसमा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय में उस बच्चे की हत्या करके ले जा करके और तालाब में फेंक दिया। प्रातःकाल हुई, सब लोग अड़ोस पड़ोस घर के लोग सब जगे। जागने पर सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो खून का छींटा पड़ा हुआ है, बच्चा भी नहीं पता चल रहा है, तो सब रोने लगे। खुशमा भी, वो सुदेहा भी रोने। अच्छा, सुदेहा भी रोने, रोने दिखाने के लिए। धीरे धीरे सुदेहा ने ही किया था हत्या, सुदेहा ने। धीरे धीरे इसकी सूचना सुधर्मा और घुसमा के पास पहुंची, लेकिन वे दोनों भगवान की भक्ति में इतना लीन थे कि उनको इस समाचार का कोई असर नहीं, और वे लोग भगवान का पूजन करते रहे। अच्छा, पूजन करते रहे। हाँ, शिव की आराधना करते। पूजन समाप्त होने पर जब उस शिवलिंग को ले जा करके और उस तालाब में प्रवाहित किया, तो उस तालाब से उस बच्चे के पुकारने की आवाज आई। उसने माँ को पुकारा। अच्छा, तब घुसमा ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान ने क्या लीला है, मैं सुन रही हूँ मेरे बच्चे की हत्या हो गई है और मेरे बच्चे की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है, ये आपकी क्या लीला है, कौन सी परीक्षा आप हमारी लेना चाहते हैं, क्या परीक्षा ले रहे हैं। इतना कहा तो भगवान शिव वहीं पर प्रकट हुए और ये जगह वही है, वही जगह ये जहाँ पे ये स्थल वही प्रकट हुई और कहा कि घुसमा, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पुत्र की हत्या किया है, इसलिए मैं उसको माफ नहीं कर सकता, मैं उसका वध अभी करूंगा, उसको दंड दूंगा। तो घुसमा रोते हुए भगवान शिव के चरणों पर गिर पड़ी और कहा, भगवान आप दयालु हैं, वो मूर्ख है, उसने ईर्ष्या बस ऐसा किया है, मूर्खता बस किया है, इसलिए आप उसको क्षमा करें, और वो मेरी दुश्मन नहीं है, वो तो मेरी परम हितैषिणी है, जिसके कारण मुझे आपका दर्शन हुआ, नहीं तो मुझे आपका दर्शन न होता। सही बात, इसलिए आप उसको माफ कर। भगवान से बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि अच्छा वरदान मांगो। कहा कि इससे बड़ा वरदान क्या मांगे, आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, अब इससे बड़ा वरदान क्या मांगे, हमको मिल सकता क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, वरदान तो तुमको मांगना पड़ेगा, मेरा दर्शन अमोघ है। उसने कहा कि नहीं, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो जैसे मेरे ऊपर कृपा किया वैसे जन कल्याण के लिए आप यहीं पर शिवलिंग के रूप में आप अवस्थित हो जाइए ताकि सब आपका दर्शन करते। तब भगवान शिव वहीं पर शिवलिंग के रूप में अवस्थित हो गए और कहा कि इसके साथ साथ मेरा नाम आपके नाम से जुड़ जाए, इसलिए उनका नाम काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस तरह से समय व्यतीत होता रहा, काफी समय व्यतीत हो गया, जैसे हर जगह परिवर्तन होता है, लोग उस जगह को भूल गए, ब्राह्मण परिवार भी समाप्त हो गया। अच्छा, वो परिवार धीरे धीरे सैकड़ों पीढ़ी चला, उसके बाद समाप्त हो गया, तो यहाँ जंगल पैदा हो गया, ये पूरे हाँ बस्ती नहीं थी, जंगल हो गया।
तो यहाँ कुछ अहीरों की बस्ती थी। अच्छा, वे लोग, वो गांव का नाम क्या है? कुंभापुर। कुंभापुर भी अहीरों की बस्ती थी। वे लोग यहाँ जानवर चराया करते थे। अच्छा। तो एक ओरी नाम का एक यादव प्रतिदिन एक जैसे मूंज होती है उसी तरह से बेकाल एक होती थी लकड़ी की जड़ की, उसी को खूंद करके उससे रस्सी बट करके अपना जीवन चलाता था। अच्छा, रस्सी। तो वो पत्थर पे खूंदा करता था। संजोग से एक दिन जब वो आया तो देखा एक बढ़िया पत्थर है, ये तो यहाँ पर भीटा था, भीटे पर वो पत्थर था, देखा बढ़िया पत्थर है, इस पे खूंदना चाहिए, उसी पर खूंदना। अच्छा, वो जो शिवलिंग उसी पर खूंदना शुरू। काफी दिन तक ऐसे प्रतिदिन आवे खूंदे और एक दिन बीमार पड़ गया। अच्छा, वो जब बीमार पड़ गया तो जानवर चराने नहीं आ सका। अच्छा। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ी और वो महीनों बीमार रहा, लेकिन उसका मन लगा रहा कि मैं मेरा पत्थर को उठाना ले जाए या कहीं गायब कर दे, मुझे उस पर को खूनना अच्छा है। उसके बाद जब ठीक हुआ वो आया और फिर खूनने के लिए चला तो आवाज आई पत्थर से, अगर बल कहीं से ऊपर से आवाज आई कि मुझ पर मत खून, मैं शिव हूं मेरी। क्योंकि मन जब 24 घंटा लगा था उसका और महीनों लगा रहा तो मन लगने से उसके सारे पाप धुल गए समाप्त, और जब निर्मल मन हो गया जैसे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छल न पावा, तो जब उस निर्मल मन हो गया तो उसको भगवान का दर्शन आवाज सुन करके सोचा कहीं ऐसी आवाज होगी, फिर खून चला, फिर आवाज आई। जब दो तीन बार हुआ तो जाकर के गांव में बताया। अच्छा, गांव में बताया, गांव के लोग वहां से आए, कहां है क्या है, आया जब फिर खून, जब फिर आवाज आई तो गांव में लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि इसी पत्थर के पास आओ, इसको खोदो। क्या? अच्छा, उस पत्थर को खोदो, उसकी खुदाई करना आरंभ किया। काफी नीचे तक खोदते थे लेकिन पत्थर का और खोदा। अच्छा, पत्थर कितनी गहराई तक है? हाँ, ये पता नहीं, पता ही नहीं। जब खोदा काफी दूर तक और ये लोग घिसता करते रहे तो उसमें से जैसे बिच्छू है, ततैया है, हाना है, काटना शुरू किया। जब काटना शुरू किया थे लोग उसको तुरंत पाट करके भाग खड़े। अच्छा, फिर आवाज आई, मैं शिव हूँ मेरी पूजा, मैं शिव हूँ मेरी पूजा। तो सब लोग मिलकर के आए, आकर के वहां पर भगवान का पूजन किया। तब से यहाँ पर पुनः शिवलिंग का प्रादुर्भाव। उसके बाद यहाँ पर एक अंगनेश्वर गिरी थी, सब लोग वहां पर जाकर के उनसे प्रार्थना किया कि शिवलिंग के पुजारी गिरी होते हैं इसलिए आप इनके पूजा का भार आप अपने ऊपर लीजिए। अच्छा, तो अनंगनेश्वर गिरी जी वृद्ध हो चुके थे, वो अपनी पूजा का भार अपने ऊपर लिया। उसके बाद उनके पुत्र विश्वेश्वर रयाल, उन्होंने शिव मंदिर को बनवाया। अच्छा, इसका निर्माण विश्वेश्वर दयाल ने किया और भगवान की पूजा का भार वह दूसरे महंत के तब से यह क्रम यहाँ पर चलता रहा, प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद विश्वेश्वर दयाल के बाद रामटेक यहाँ के महंत हुए, रामटेक के बाद शिव मूर्ति गिर यहाँ के महंत हुए और इस समय उनके पुत्र मयंक भाल यहाँ के महंत। मयंक भाल यही यहाँ। अच्छा पंडित जी, कितना पुराना होगा लगभग? 400 वर्ष लगभग। 400 लगभग 400 वर्ष, मतलब वो तो शिव पुराण वाला तो काफी पुराना होगा। वो तो बहुत पुराना, 5000 पहले शिव पुराण लिखा गया, 5000 साल के पहले की वो तो। लेकिन ये मतलब कुंभा गांव के जो अहीर लोग, जब वो विस्मृत हो गया, जंगल हो गया, उसमें ढक गया, पड़ा रह गया उपेक्षित, उसके बाद जब है ये लगभग 400 साल पहले इसका प्रादुर्भाव। 400 साल के आसपास। जानकारी, क्योंकि 4-5 पीढ़ी व्यतीत हो चुकी है इसका। ये बात तो सही है, एक पीढ़ी लगभग 80-90-100 माना जाता है। 80-90-100 मिला करके
400 साल 350 साल लगभग यही। चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे यहाँ आ करके इतनी जानकारी। तो हम ऐसे घूमते रहते हैं, अच्छा मुझे अच्छा लगता है और कहते हैं कि जहाँ जाता हूँ वहाँ का एक वीडियो बना कर मतलब उसको स्टोर करता हूँ, यूट्यूब पर डाल देता हूँ। नहीं बहुत बढ़िया है, तब हमारे लिए लोगों के लिए वो चीज़ें जीवित रहेगी। चले पंडित जी प्रणाम। काफी गजब का एक्सप्लेनेशन रहा पंडित जी का, तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने जानकारी ले ली। जानकारी नहीं यार हमको। हाँ काफी ये पीछे मंदिर रहा और हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने के बाद नीचे। अभी हम लोग जा रहे हैं सई नदी के किनारे, तो कैसे कैसे पहुँचे और दर्शन हुआ और बढ़िया एक्सप्लेनेशन यहाँ का हुआ। और इधर चलें, इधर चलें, इधर से तो हम लोग नदी के किनारे जा रहे हैं और सई नदी का देखते हैं। काफ़ी किनारा काफ़ी अच्छा है, नदी की भी काफ़ी मान्यता है यहाँ पे सई नदी की। किनारे घाट बने हुए हैं, अच्छा घाट बना हुआ है, लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद यहाँ पे दर्शन करते हैं, तो इस तरह की मान्यता है यहाँ पे। देख लीजिए सोलर पावर जो एक तरफ से कर दी। यहाँ आने के बाद जो आपकी मुराद है कहते पूरी हो जाती है, तो हमने भी अपनी ईश्वर से मांग लिया है, भोले बाबा से फिर दोबारा फिर आने का, फिर देखते हैं फैमिली के साथ आएंगे। देख रहे सोलर पैनल। अरे भाई ये तो मानना पड़ेगा यार, यार कोई लगवा नहीं सकता इतना बड़ा। ये घाट है नहाने का, वहाँ तक है। भीड़ ज़्यादा होती होगी ना सीजन में। हम बता रहे हैं यही बहरवा खड़े हो जाइए, चलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप पहुंच जाएंगे। टंगे रहते थे और पहुंच जाते थे मंदिरों में। घुसने के बाद आप सोचें कितना सकरी गड्ढी है, अपने आप पहुंच जाते थे, अपने आप पहुंच जाते थे और उधर से निकल भी जाते थे। किनारे तक चलते लोग नहा रहे हैं। तो ये है सई नदी का किनारा और हमारे कई थी अपने सब चल रहा लाइक। तो दिख रहा है हम लोग घाट पे हैं और यहाँ पे नदी के किनारे ही हैं, सई नदी के किनारे पे, लेकिन साफ सफाई का थोड़ा सारा इशू है। मतलब इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग आते हैं ना, पता नहीं मेरे क्यों नहीं समझ में आता है कि अपने कपड़े क्यों फेंक के जाते हैं। भाई अपनी गंदगी अपने साथ लेके जाओ, मैं तो सीधे कहता हूँ। हाँ, सही बात। जो चड्डी पहन के आए हो, जो साड़ी पहन के आए हो, जो भी कपड़े पहन के आए हो, अपने साथ ले के जाओ उसको, यहाँ मंदिर पे मत छोड़ के जाओ, क्योंकि इससे बहुत गंदगी होती है और इससे ईश्वर खुश नहीं होने वाले, ईश्वर इससे नाराजी हो जाएंगे भोले बाबा। इसी तरह भैया तो मेरी भाई बड़ी गुजारिश है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जगह जगह पे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, तो ये गलत बात है भाई। ऐसी जगह को एकदम साफ सुथरा रखें और हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे पर्यटक स्थल पर अगर डेवलप किया गया है और किसी ने इतना पैसा लगा के डेवलप किया है, तो ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग वीडियो का एंड करने वाले हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के कमेंट वाले बॉक्स में लिख भेजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे देना। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। तो हम लोग भाई गुजरनाथ में दर्शन करने के बाद चाय पी रहे हैं कुल्हड़ में, कुल्हड़ में और प्रतापगढ़ के कुल्हड़ में। जो ये कुल्हड़ का जो साइज है बिल्कुल यूनिक है भाई, ऐसा कुल्हड़ मिला है भाई। अच्छा लग रहा है देख करके, यहाँ ऐसे ही बनता भैया है, गजब लग रहा है, यूनिक है भाई। क्यों भाई ये बताओ, ऐसा कूलर देखा आपने? नहीं 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 पहली बार। आपके वहाँ अमेठी में ऐसे ही ना, रहता ना, है ना, ना। ये स्पेशल ऑर्डर दे के बनवाया है क्या इसका? लेकिन ये पीने में ये मोटा बहुत है यार, पूरा मुंह खोलना पड़ेगा। मजा है। बड़ी देर से हम लोग चाय पीने की इच्छा जता रहे थे, थोड़ा भीख जरूरत भी थी। चाय बढ़िया भाई, चाय अच्छी बनाई है।